नगर परिषद सफाई कर्मियों ने कलेक्ट्रेट में नारेबाजी कर किया प्रदर्शन। 5 अगस्त को रहेंगे हड़ताल पर। राजस्थान में होने वाली सफाई कर्मचारियों की भर्ती को लेकर चूरू नगर परिषद के सफाई कर्मचारियों ने चूरू कलेक्ट्रेट में नारेबाजी कर प्रदर्शन किया। अखिल भारतीय सफाई मजदूर कांग्रेस के बैनर तले यह प्रदर्शन किया गया। सफाई कर्मचारी भर्ती में वाल्मीकि समाज को प्राथमिकता देने की मुख्य मांग को लेकर यह प्रदर्शन हुआ। सफाई कर्मचारियों ने मांगों के समर्थन में 5 अगस्त 2024 को हड़ताल पर जाने की चेतावनी भी दी है। सफाई कर्मचारियों का कहना है कि 2018 की भर्ती में भी आरक्षण के आधार पर सफाई कर्मियों की भर्ती की गई थी, जिसका सीधा असर सफाई व्यवस्था पर देखने को मिला है। सफाई कर्मियों ने रोष जाहिर करते हुए कहा कि इस बार भी राज्य सरकार सफाई कर्मियों की भर्ती में आरक्षण व्यवस्था लागू करने की तैयारी में है, जिसे सफाई कर्मी किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं करेंगे। सफाई कर्मियों ने कहा कि वाल्मीकि समाज को पूरी तरह से भर्ती में प्राथमिकता प्रदान की जाए। राजस्थान के अंदर सफाई कर्मचारी भर्ती 2023 के मद्देनजर रखते हुए पूरे संपूर्ण राजस्थान के अंदर सफाई कर्मचारी हड़ताल पे जा रहे हैं। आज चूरू मुख्यालय के ऊपर चूरू शहर के वाल्मीकि समाज के लोगों ने जिला कलेक्टर के मार्फत मुख्यमंत्री को ज्ञापन दिया है, जिसमें हमारी ये मांग की गई है कि इस भर्ती के अंदर 100% जो प्राथमिकता है वाल्मीकि समाज को दी जानी चाहिए, क्योंकि वाल्मीकि समाज के लोग ही इस सफाई कार्य कर रहे हैं। पिछले 2018 के अंदर सफाई भर्ती हुई थी, उसमें सभी समाज के लोगों ने इस भर्ती के अंदर शामिल हुए थे, और सफाई का कार्य आज भी गैर वाल्मीकि समाज के लोग नहीं कर रहे हैं। अगर सफाई वाल्मीकि समाज को ही करनी है तो इस सफाई कर्मचारियों की भर्ती के अंदर प्राथमिकता है, वो भी 100% वाल्मीकि समाज के लोगों को ही मिलनी चाहिए।